पड़ेगा, तो बाद में सारे कंप्लीट करने पड़ेंगे। बेटा फिर से बनेंगे ना, बनने के बाद जब तक आपके हरफ से नीचे नहीं जाएगी आपको पता नहीं चलना तो मैंने क्या दिया है। हम चाय के लिए तो थोड़ा होते हैं कि चाय अंदर चली जाए तब मैं स्कूल जाऊँ या नाश्ता अंदर चला जाए फिर जाऊँ, ऐसे ही है ना। और दुख वाली बात है जिसने आपको जिंदा रखना है उसको मार दिया, वो है रूह, वो है कुरान पाक से आपके रूह। अगर रूह है तो ये जिस्म है, अगर रूह नहीं है तो जिस्म कुछ भी नहीं है। कुरान पाक को पढ़ा करें, अल्लामा इकबाल को पढ़ा करें, कुछ हासिल करें। और प्रोफेसर आदम कारी साहब का मैं अपने बाप से भी बढ़कर एहतराम करता हूँ। बाप से बढ़कर क्यों? क्योंकि ये टीचर हमेशा अपनी रूह को ताकत देते हैं, आपको बताते हैं चलना फिरना, उठना बैठना, खाना पीना। इनम का मैंने ये है कि तुम्हें अदब आ जाए, अगर अदब नहीं तो कुछ भी नहीं। हमें एक बार कहा था खामोश है दिन भरी महफिल में चलना ना नहीं अच्छा, अदब पहला करीना है मोहब्बत के करीनों में। जिस जगह भी आप लोग चले जाओ आप पी एच डी कर लो, अगर तुम्हारी जुबान अच्छी नहीं है समझने का जीरो। आजकल गांव में चले जाओ ना, जो माइयाँ होती हैं वो पासियाँ पसती हैं उसकी औलाद बहुत अच्छी है। क्यों? उसकी एक वजह है, वहाँ पर मोबाइल नहीं है, वहाँ पर हंगामा नहीं है, उन्होंने हमारे अपने बच्चों की तरबियत की है। वो बच्चे पढ़ते हैं मोबाइल उनके पास होता, खाने पे जाकर बैठ जाते हैं, पढ़ते हैं, उसे का सहारा बनते हैं। और यहाँ पर हम अपना वक्त जाया कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। रात में नेट के ऊपर देख रहा था यहूद व नसारा का एक स्कूल, वहाँ पर वाच कर रहे थे, सिक्स क्लास के बच्चे हैं, वो ऐसे बैठे हैं जिस तरह बड़े ऑफिसर हों, क्लास में ऐसे बैठे हैं कि जिस तरह वो बहुत बड़े ऑफिसर हों। उनकी कटिंग ऑफिसर कटिंग है, उनका उठना बैठना ऑफिसरों की तरह है। कोई चीज़ मांगनी है जुबान आवाज़ पता नहीं साधकों के क्या हो रहा है, इशारों की जुबान से बात कर रहे हैं। ये होता है तरीन करना, ये ना हो बेटे। आप लोग जब तक अदब नहीं सीखेंगे आप कामयाब नहीं हो सकते, अदब बड़ी चीज़ है। अल्लाह को भी आज ही पसंद है ना, वो अदब सही है। माँ बाप का कभी आप सहारा बनने की कोशिश की है? कभी आपने सोचा है? नहीं, तंग किया हमेशा। देख कभी सोचना रात को घर जाकर कि हमने अपने वालद को कितना तंग किया है, वालदा को कितना तंग किया है। क्या फ़ायदा आपकी तलीम का, क्या फ़ायदा आपका पढ़ने का, अगर आप अपने माँ बाप का सहारा नहीं बन सकते उनको परेशान तो ना करो। उनके लिए आप आसानियाँ पैदा करो, टीचर होता है वो आसानियाँ पैदा करता है। तो आपको भी चाहिए कि अपने वालदैन के ऊपर बोझ ना बने, उनका सहारा बनना है। बाहर दोस्त ना बनाओ, आपका बाप आपका टीचर सबसे बड़ा दोस्त होता है। जो दोस्त आपको गलत रास्ते के ऊपर ले जाए वो तुम्हारा दोस्त नहीं, वो तुम्हारा दुश्मन है। क्योंकि शैतान अच्छा रास्ता कभी नहीं दिखाता, क्या दिखाता है? दिखाता है? नहीं दिखाता। वो नहीं चाहता कि आप लोग कामयाब हो जाओ, बस ये थे कि इंसान आप लोग जब भी घर जाओ एक बात को नोट कर लेना, जब भी घर से आना है तरीन के मैदान में बावजूद होकर आया करो। जब तुम बावजूद होकर आओगे तो अच्छे अल्फाज उतरेंगे, जो टीचर आपको बताएगा वो आसानी से तुम्हारे दिमाग में बैठ जाएगा, आपको याद रहेगा। अगर तुम बावजूद नहीं होंगे जितने मर्जी ढंग से सुन लो, 24 घंटे सुनते रहो, तुम्हारे अंदर अल्फाज कभी नहीं उतरेंगे। और ये मैंने अजमाया 1984 में, ये मेरे टीचर ने मुझे कहा था कि बेटा हमेशा बावजूद कराना। मैं जब भी कहीं जाता हूँ मैं टीचर हूँ आज उनकी दुआओं की वजह से, तो मैं हमेशा बावजूद कर ही आता हूँ, बावजूद रहता हूँ। जब मेरा बावजूद नहीं है मैं बच्चों को नहीं पढ़ाता, क्योंकि
कायदे आजम ने कहा था कि तालिबे इल्म मेरा आने वाला कल है। आप लोगों को पता लग गया, हमारे मतलब नहीं कहा। जब वो बीमार थे ना तो डॉक्टर ने कहा था कि आपसे कोई मिलने के लिए ना आए, उनके कान में आवाज़ पड़ गई। उन्होंने कहा खबरदार पूरी दुनिया को रोक देना, लेकिन जब कोई तालिबे इल्म आ जाए उसको सीधा मेरे कमरे में लेके आना, क्यों? ये मेरा आने वाला कल है। आप कायदे आजम का आने वाला कल हो, हम यहाँ पर आज हैं कल नहीं होंगे। आप में से कोई टीचर बन जाएगा, कोई एनम जी बन जाएगा, कोई राशि मिनहास बन जाएगा, लेकिन बेटा हमेशा जिंदा वो रहता है जो हमेशा अदब करता है, बावजूद रहता है। बावजूद रहोगे, पढ़ोगे, इल्म हासिल करोगे तो इंशाल्लाह आपको मौत नहीं आएगी, मौत नहीं आएगी। वरना जहाँ पर जिंदा लाशों की तरह लोग घूम रहे हैं, उंगलियाँ उठी हैं उनके ऊपर, क्यों? वो इंसान नहीं है, वो दुश्मन है। सबसे पहले वो अपने दुश्मन है, फिर लोगों को नुकसान पहुँचाते हैं, ऐसे ही है ना। फिर आखिर में आपको यही होगा कि बेटे जब ही आना आप लोगों ने बावजूद होकर आना है, यकीन जाने काम याद में। अभी तो आप भाग रहे हो ना मंदिर की तरफ, फिर मंदिर चलकर तुम्हारे कदमों में आ जाएगी, तुम लोग कामयाब हो जाओगे। जब भी घर से निकलो ना तो बावजूद होकर निकलना है, तुम्हारी कटिंग अच्छी होनी चाहिए। कई बच्चे हैं उनकी कटिंग वन साइडेड होती है, जो दोनों सारे निशानी है। जब तुम पाकिस्तानी हो, मुसलमान हो, दुनिया में सबसे बेहतरीन कटिंग पाकिस्तान आर्मी की है, सबसे बेहतरीन कटिंग। उनको कभी देखो, उनके स्कूल में कैडेट स्कूलों में जाकर देखो, उनका उठना बैठना गुफ्तगू करना बहुत अच्छा है, हंगामा नहीं है वहाँ पर।